आप ले लो। हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी। जी। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कैर का फॉर्मूला। कैर क्या होते हैं? आस्काई वैल्यूज होती हैं कुछ, जिनमें कंप्यूटर जिससे रीड करता है, इंटरैक्ट करता है, तो इसकी अपनी लैंग्वेज होती है, इनको आस्काई वैल्यूज कहते हैं। आज तो का कैर क्या करता है? किसी भी आस्काई वैल्यू का कैरेक्टर देता है। सबसे पहले जानने के लिए कोड है, आस्काई कैरेक्टर को जानने के लिए कोड है। तो कोड जिससे देते थे, ये हमें आस्काई कोड बता रहा है। जैसे ए का 65 है, बी का 66 है, इस तरह से दिखाता है। ठीक है जी। और इसी का रिवर्स जो है कैर है, जो कोड को कैरेक्टर में चेंज करता है। ठीक ओके कैर और कोड। आस्काई टेबल अगर आपने देखनी हो तो गूगल पे जाके देख सकते हैं। आस्काई टेबल में ये सारे आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे। CII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक स्टैंडर्ड टेबल है, हर एक वैल्यू का अपना अलग से वो नंबर होता है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि आस्काई कोड है। ए का देखेंगे तो यहाँ पे 65 कैपिटल है, 97 स्मॉल ए का है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग कोड्स हैं, नंबर के अलग कोड्स हैं। और बाकी जैसे अपना होता है, ऑल्ट एंटर करते हैं ना, तो न्यू लाइन का 10 कोड है। तो इस तरह से ये कोड्स होते हैं। तो कैर और कोड दोनों इसको वाइस वर्सा करते हैं। ठीक है जी। ये बेसिकली उसमें यूज होता है क्या ज्यादा वेवीए लिखते समय? हाँ, कहीं भी यूज हो सकता है। कई बार जैसे है कि जैसे मैंने इसमें ये दे दिया संदीप, ऑल्ट एंटर। अब ऑल्ट एंटर वैसे कैसे लगाएंगे? मान लीजिए ऑल्ट आप, एंटर गए। हाँ, ऑल्ट एंटर करके सिंह लिख दिया मैंने, तो ऑल्ट एंटर का क्या कोड होता है इसके लिए दिखाता हूँ आपको। जैसे, और ये एक्टिवेट तभी होता है जब आपका रैप टेक्स्ट ऑन हो। ठीक है जी। अगर रैप टेक्स्ट ऑफ कर देंगे तो ऑल्ट एंटर का नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है जी। पर कैरेक्टर रहेगा। अगर मैं इसको प्लेन ऐसे ही लिख दूं और दोनों की लेंथ चेक करूं, तो एक कैरेक्टर का डिफरेंस आपको मिलेगा इसमें। ठीक है। तो मतलब, हाँ, कहीं कैरेक्टर है, अब इसको मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसी में खाली ऑल्ट एंटर मार दिया मैंने। ठीक है जी। अब इसको मेरे को चेक करना है कि इसका कोड क्या है। कोड ये आ जाएगा, इसका कोड 10 है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने कंकैटिनेट किया, यहाँ से कंकैटिनेट कर दिया और इसमें लिख दिया कैर 10, है ना। और ठीक है जी, आ गया। जैसे मैंने रैप टेक्स्ट मारा, आ गया मेरे सामने। ठीक है जी। तो इसका आपको याद होगा, मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था, एक चार्ट सा बनाया था मैंने करेक्टर के जरिए। चार्ट सा कैसे बनाया था दिखा देता हूँ एक बार आपको। कि मान लीजिए दो जगह वैल्यू है, मान लीजिए एक जगह मुझे वो बनाना है। तो मैंने क्या किया था, एक RETT फंक्शन होता है अपने पास, जो ना टेक्स्ट को रिपीट करता है। जैसे कुछ भी मैं लिख दूँ, स्टार लिख दिया मैंने, कितने टाइम्स रिपीट करना है मैं इस पे दे देता हूँ। ठीक है, 84 टाइम्स। तो अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो एक एक चार्ट जैसा दिखाएगा मुझे। ठीक है। अगर इसी को छोटा करना हो तो इसकी रेशियो को कम कर दूंगा। मान लीजिए मुझे 10 टाइम्स छोटा करना है तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, तो ये चार्ट 10 गुना छोटा हो गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब ओके
चार्ट को मुझे प्रॉपर उसमें लाना है, चार्ट जैसा दिखे, थोड़ा फॉन्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक कैरेक्टर होता है पाइप का, ठीक है, पाइप कैरेक्टर होता है, स्लैश के बगल में, स्लैश में ही होता है शिफ्ट से। और इसका अगर मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा, मेरे ख्याल से ब्रिटानिक बोल्ड है, हाँ ब्रिटानिक बोल्ड, अगर मैंने फॉन्ट कर दिया इसका, तो एग्जैक्ट चार्ट जैसा ही दिखेगा। कलर में यहाँ से कोई भी चेंज कर दो, अब यहाँ से कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे तो वही इफेक्ट वही आएगा। ये चार्ट जैसा है। अब मुझे एक ही सेल में दो चार्ट दिखाने, मान लीजिए कंपैरिजन चार्ट दिखाना, तो आप इसमें कैसे करेंगे? दोनों चार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ इसको कंकैटिनेट कर दूंगा कैर 10 से, ताकि वो चीज हट जाए, और यही फंक्शन दोबारा डाल दूंगा टेक्स्ट पाइप नंबर ऑफ टाइम्स, ये वाला ले लूंगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, एरर आ गई है, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। अच्छा एंड आएगा, एंड आएगा, तो ये अभी तो एक जैसा दिखा रहा है आपको, रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो सही आ जाएगा। अब ये एक बार चार्ट की तरह दिखा रहा है मुझे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वैसे में दिखाए तो इसके डायरेक्शन चेंज कर देंगे, यहाँ से फॉन्ट में जाके अलाइनमेंट में इसको 90 डिग्री, ये आपका चार्ट बन गया। ठीक है ना, कहीं कुछ कम ज्यादा होगा तो ये चार्ट जैसा भी है, ठीक है जी। तो मैंने इसके आके क्या किया था, वी लुकअप लगा के इसको कॉल भी करवा दिया था, मान लीजिए ये है, और मैंने बताया था डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन में डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन लिस्ट डाल के मुझे पूरी, तो लिस्ट सोर्स में मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ तो मुझे इसका कोड आ गया जो भी है, ये वाली मैंने आईडी इसकी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, वी लुकअप करके मैंने लुकअप वैल्यू ये करके कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 फोर कॉलम इंडेक्स और 0 कॉल्स के लिए, तो ये आ गया। क्या करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, तो ये है। अब इसमें डेटा वैलिडेशन से जैसे मैं क्लिक करके चेंज करूंगा, मेरा चार्ट चेंज हो रहा है। जिससे वो बिलोंग करता है वो दिखाई दे, तो ये मैंने बताया था। हाँ जी, क्योंकि अगर इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं ना, इंडेक्स कर सकते हैं, इंडेक्स मैच इकट्ठे यूज होता है वो लुकअप एंड सर्च कर सकते हैं, हाँ वो उसमें क्लियर कर दूंगा मैं सही से। तो अभी हमने देखा कैर कोड और आरपीटी का फंक्शन देखा, रिपीट फंक्शन, बाकी आगे देखते हैं। इसी तरह से जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं वो हम क्लीन से क्लीन से साफ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें ये क्या रहा है, इसमें एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था ये ऊपर वाले में ऑल्ट एंटर, तो कई बार क्या होता है ईआरपी से जब हम डाउनलोड करते हैं तो ऐसे ही कैरेक्टर आ जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, तो लेंथ में पता पड़ेगा आपको, तो आप क्लीन से उसको क्लीन कर सकते हैं। अब इसका अगर लेंथ चेक करें, क्लीन से करने के बाद आपको लेंथ वापस 12 मिलेगा, ठीक है जी, वो हट गया, तो वहां जाके अगर मैं रैप टेक्स्ट करूं तो उस पोजीशन से नहीं होगा, ठीक है, तो क्लीन का फॉर्मूला क्लीन कर देता है वैल्यू को, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटा देता है उसमें से। इसी तरह से आगे इसमें ट्रिम एक फंक्शन होता है, ट्रिम
अगर आपके कैरेक्टर में कहीं भी जैसे स्पेस लग गया मेरे से और फिर बीच में भी और बाद में भी एक स्पेस आ गया, तो अभी ये क्या दिखा रहा है आपको, करेक्टर 15 दिखा रहा है। ठीक है जी, ट्रिम का फॉर्मूला होता है जो वाइट स्पेसेस को हटा देता है, ऐसे स्पेसेस जिनकी जरूरत नहीं है उनको हटा देता है। अब इसने यहाँ पे हटा दिया, अब लेंथ चेक करेंगे तो 13 आ गए, दो आगे और पीछे से स्पेस साफ हो गए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कंकैटिनेट का फॉर्मूला भी है, इस तरह से हम ये एंड के जरिए कर रहे हैं। आप कंकैटिनेट का आपके पास फॉर्मूला भी है, कंकैटिनेट। ठीक है, यहाँ आपको बस सिंपल सिलेक्ट करना होता है कॉमा कॉमा देके वैल्यू, तो आपका कंकैटिनेशन हो जाता है। बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस इन्वर्टेड कॉमाज में दे दिए, फिर कॉमा, तो टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, इस तरह से आगे ये हो गया। कंकैटिनेट का फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक डॉलर का फॉर्मूला होता है, डॉलर में आप नंबर दे सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस दे सकते हैं कि 2 डेसिमल तक चाहिए, ये बस आगे डॉलर लगाता है। ठीक है जी, कोई कोई यूज नहीं। फिक्स्ड का भी फॉर्मूला ऐसा ही है, नंबर दे सकते हैं और डेसिमल कितने चाहिए, ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कर डॉलर। हाँ, इनका कोई यूज खास नहीं होता, बाकी आगे देखिए। और केस चेंज करने के लिए, जैसे अपर केस में करना है तो अपर, लोअर केस में करना है तो लोअर, प्रॉपर मतलब टाइटल केस में करना है तो प्रॉपर। ठीक है जी, फॉर्मूला अपर लोअर प्रॉपर। तो लेंथ का फॉर्मूला आपको पता ही है, लेंथ LEN का फॉर्मूला है, ये जो मैं यूज कर रहा था लेंथ चेक करने के लिए। चेक करने के लिए अब एक टास्क पे आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, अब यहाँ पे मुझे क्या है, किस में अलग करना है, फर्स्ट नेम में, मिडल नेम में और लास्ट नेम में। ठीक है जी, यहाँ पे कोई नाम होगा तो मुझे इस तरह से इनको चेंज करना है। मान लीजिए ये नाम हो गए, अब इसमें मुझे क्या करना है, कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं। एक तो फॉर्मूला है मेरे पास, मुझे अगर लेफ्ट से वैल्यू लेनी है तो लेफ्ट का फॉर्मूला है, उसमें मुझे सिलेक्ट करना है टेक्स्ट और कितने कैरेक्टर चाहिए, आगे से गिन के जैसे 7 का है फर्स्ट नेम, तो 7 कैरेक्टर्स में यहाँ से ले सकता हूँ। ठीक है जी, 7 ले लिए। देन उसके बाद लास्ट से लेना है तो राइट का फॉर्मूला है, राइट से कैरेक्टर ले सकता हूँ, तो गिन के 5 है, 5 कैरेक्टर ले लिए मैंने। ठीक है जी, ऐसे ही मिड से कहीं से भी उठाना है तो मिड का है फॉर्मूला है, टेक्स्ट स्टार्ट नम की कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने कहा 9वें कैरेक्टर से स्टार्ट करें क्योंकि 8वां स्पेस हो गया, 9 से स्टार्ट करें और कितने ले ले आगे कैरेक्टर, तो 5 ले लिया, तो वहाँ देखे 5, तो ये आ गया हमारा इस तरह से। और अब हम ये करना चाहते हैं कि वैल्यू जो है डायनेमिक होनी चाहिए, है ना, हर बार 7-5 एंट्री तो नहीं करूँगा मैं, तो वैल्यू डायनेमिक होनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले हमें जानना होगा, क्योंकि हम स्पेस के उस पर जान सकते हैं कि पहला स्पेस कहाँ है, तो कट ऑफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पहला स्पेस इधर आ गया, तो स्पेस हमें पहली चीज चाहिए फर्स्ट स्पेस, फिर चाहिए सेकंड स्पेस, क्योंकि मिडल वैल्यू फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस के बीच की होगी। ठीक है, और फुल लेंथ तो चाहिए ही होगी। ठीक है जी, प्लस माइनस करने के लिए तो फर्स्ट स्पेस एक फॉर्मूला है हमारे पास फाइंड का,
ठीक है जी। फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है, हम्म, फाइंड करता है किसी भी करेक्टर को किसी भी टेक्स्ट में। तो मैंने कहा स्पेस फाइंड करो विद इन टेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसने मुझे बताया कि छठी पोजीशन पे है स्पेस, ठीक है जी। अब सेम फॉर्मूला मैं उसके लिए सेकंड स्पेस के लिए यूज करूंगा, फाइंड टेक्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट इसके अंदर। बट अब इसमें ऑप्शनल वैल्यू है मेरे पास, जहां भी ऐसा ब्रैकेट लगा होता है ना बड़े ब्रैकेट, उसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑप्शनल है, दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं दे देता हूँ कॉमा करके कि स्टार्ट कहाँ से करना है उसे, दूसरा स्पेस कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट स्पेस के बाद से। तो फर्स्ट स्पेस यदि 6 पे है तो मैं इसे बोलूंगा कि तुम 7 से सर्च करो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्पेस F+1, हाँ प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्पेस मिल गया, और लेंथ के लिए तो अपना फॉर्मूला है ही, टोटल लेंथ मिल गई। अब निकालते हैं वैल्यूज को। अब हम करेंगे, पहला है हम अपना लेफ्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, टेक्स्ट ये कितने करेक्टर उठाने हैं, फर्स्ट स्पेस -1, ठीक है जी, क्योंकि छठे पे तो स्पेस है ना, तो वो उसको भी काउंट कर रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। और जो मिडल वाला है, मिडल वाले को देखते हैं कैसे करेंगे। मिड टेक्स्ट स्टार्ट नम होगा फर्स्ट स्पेस +1, ठीक है जी, क्योंकि छठे पे वो आया तो सातवें से ही वो स्टार्टिंग पोजीशन होगी। और कितने करेक्टर लेने, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1, क्योंकि एक स्पेस फालतू काउंट हो रहा है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि 5 कैरेक्टर है, 12 में से 6 हटाते हैं, कितने होते हैं, 6 बचते, तो एक फालतू है, तो एक -1 का रखता है, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1। तो ये आपकी मिडल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लास्ट वाली राइट से, तो टेक्स्ट यही रहेगा, इसमें क्या होगा, लेंथ टोटल लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ठीक है जी, 12 में से 17 में से 12 गए 25, 5, तो ये आपका आ गया, ठीक है जी। तब ये फॉर्मूला हो गया, अब इसको कहीं टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉपी कर दी है और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, तो सही आया, एकदम एग्जैक्ट आया। अब इस फॉर्मूला को कर देते हैं कंबाइंड, क्योंकि अभी क्या है, इसका सहारा लेना पड़ता है, डिपेंडेंसी इनपे है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो इसकी डिपेंडेंसी इस पे जा रही है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कॉपी किया इक्वल टू से पहले, और ये क्या है, F4 है। तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ, और इसमें फाइंड क्या करना है, इसने F4 और रिप्लेस करना है इससे, तो रिप्लेस ऑल कर दिया, 3 रिप्लेसमेंट की इसकी। अच्छा एक चीज और भी हमने करनी थी, क्योंकि इसमें भी डिपेंडेंसी इस पे है, ठीक है जी, यहाँ पे भी वो चीज रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब डिपेंडेंसी इसके नहीं, इंडिपेंडेंट फार्मूला। अब जो सेकंड स्पेस वाला है, हमें सेकंड स्पेस पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल एफ किया, और ये कितना था, G4 में, G4 में रिप्लेस है, 2 रिप्लेसमेंट कर दी इसने, ठीक है। और फिर अंत में लेंथ का यानी H4, और इसमें जहां पे भी H4 हो ये इस फॉर्मूला से रिप्लेस कर, ठीक है। अब ये देखिए, मैं हमने फॉर्मूला देखा भी नहीं क्या क्या हो गया, पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है जी।
मिड का फॉर्मूला लंबा चौड़ा लग गया, इसी तरह से राइट का फॉर्मूला, और सही काम कर रहे हैं। अब मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो वैल्यू बनी रहेगी क्योंकि तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ठीक है जी, तो इस तरह से हम करते हैं। बाकी अब थोड़ा सा इसको और एडवांस बनाते हैं। अभी क्या है कि ये तीन फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम होना ही चाहिए। मान लीजिए कि दो वाले हैं खाली, ठीक है जी। अब इसमें क्या आ रहा है, पहली चीज तो सही पकड़ रहा है, बाकी इन दोनों में वैल्यू दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इफ एरर का फॉर्मूला मैंने आपको याद होगा बताया था, मिडल नेम की तो इस तरह में जरूरत नहीं। तो इफ एरर का फॉर्मूला देंगे कि जहां पे भी एरर आए वहां पे क्या शो कर दे, ब्लैंक कर दे। ठीक है, तो एरर आया तो ब्लैंक शो कर देगा। पर यहाँ पे हमें लास्ट नेम चाहिए, तो यानी कि कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि इसमें इफ एरर के बाद में लगेगा, इफ एरर। और इस अगर एरर आती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है लास्ट नेम के लिए, राइट टेक्स्ट और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेने हैं, लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस जो था टेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला लग गया आपने। ठीक है जी, तो अब यहाँ चाहे तीन डालें दो डालें वही आएगा ऐसे। राकेश, अगर मैं यहाँ पे के कुमार गुप्ता कर दूं के यार, तो यहाँ आ जाएगा, और वो अगर हटा दूं तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, कई बार क्या हो सकता है कि सिंगल भी नाम हो सकता है, फर्स्ट मिडल नेम और लास्ट नेम है ही नहीं, तो उस केस में देखें क्या कहता है हमारा फॉर्मूला। तो उस केस में दोनों जगह एरर आ जाती है, तो हमें लास्ट नेम इस केस में चाहिए नहीं, तो इफ एरर लगा देंगे एक और उसी इफ एरर के ऊपर, कि यहाँ अगर एरर आए तो क्या दे दे, ब्लैंक दे दे। ठीक है जी, और यहाँ पे अगर एरर आए तो क्या दे दे, यही वैल्यू दे दे। ठीक है, तो ये भी हो गया। और मान लीजिए फॉर्मूले को आगे नीचे करते हैं, तो यहाँ पे जीरो की आ रही है ना, मतलब अगर खाली वैल्यू है तो जीरो दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ ये जीरो भी ना दिखाए। तो अब एरर तो कोई आ नहीं रही, जीरो आ रहा है, जीरो कोई एरर नहीं है, तो इसमें क्या करना है मुझे, एक इफ की कंडीशन लगा देंगे बस। ठीक है जी, इफ का मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो क्या करे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज यही फॉर्मूला चलने दे। ठीक है जी, तो अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, अब चाहे मैं कुछ भी टाइप करूं, और इसको इसको वीबीए फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला जो हो गया इस यूज यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, तो एक फॉर्मूले बचे हुए फॉर्मूले को देखते हैं। अब ये तो हमने देखा फाइंड का, अब देखते हैं फाइंड क्या करता है। जैसे फाइंड है, अगर मैं इसमें कैपिटल ले फाइंड करूं तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, एरर दिखा रहा। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम के लिए, कि मैं चाहता हूँ केस सेंसिटिव ना हो, एग्जैक्ट का फॉर्मूला नहीं, एग्जैक्ट का नहीं, सर्च का फॉर्मूला। ठीक है जी, अगर मैं इसमें कैपिटल ले लिखता हूँ और यही लेता हूँ तो ये दिखा देगा। ठीक है जी, दो बार दिखा रहा है, दो दिखा रहा है, मतलब सेकंड पोजीशन पे फाइंड तो पोजीशन कैसा था। तो फाइंड और सर्च क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। फाइंड
केस सेंसिटिव है और सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता सर्च को, ठीक है जी। दूसरा अब देखिए कि इन्हीं से ही लेते हैं, अब यहाँ भी केस सेंसिटिव है, अगर मैं इसको इक्वल टू करके दूं तो बता रहा है ट्रू, ये कह रहा है बराबर है, बट जबकि केस सेंसिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, एक फार्मूला मेरे पास ऐसा है कि एग्जैक्ट, ये बताएगा कि ये एग्जैक्टली मैचिंग है कि नहीं, तो फॉल्स बता रहा है, ठीक है ना। एग्जैक्ट का फार्मूला, एग्जैक्ट मैचिंग होती है तभी ट्रू देता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसमें छोटा बड़ा दूं, अब वो भी ट्रू दिखा रहा है, ये भी ट्रू दिखा रहा है, तो एग्जैक्ट मैचिंग के लिए एग्जैक्ट यूज होता है, ठीक है जी। दूसरा एक फॉर्मूला अपने पास है रिप्लेस का, रिप्लेस में क्या होता है कि जैसे मुझे ए को ओ में बदलना है, ठीक है, पहले मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, स्टार्ट नंबर दूसरी पोजीशन पे ए, तो मैंने दिया सेकेंड इंडेक्स, कितने कैरेक्टर चेंज करने, ए एन साथ में करना है, ए एन डी को साथ में करना है, तो मैं इसमें कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, मुझे एक ही करना है तो मैं एक कैरेक्टर लूंगा, 1 2 3 4 कितने भी लिख सकते हैं, और उसकी जगह क्या आना है, मैंने कहा ए को कर दो ओ में चेंज, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, ए ओ में चेंज हो गया। और अब जैसे इसी में कहते हैं कि जैसे ई को चेंज करना है डबल ए में, ई को ए में चेंज करना है, तो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट का है, वो भी सेम काम करता है, रिप्लेस तो इंडेक्स वाइज चलता है, पर ये बहुत सिंपल है, हम इसमें सीधे सीधे लिख सकते हैं, टेक्स्ट दे दिया हमने, फिर ओल्ड टेक्स्ट मैंने कह दिया ई है, उसकी जगह क्या आना है ओ डाल देते हैं, चलिए ठीक है जी, एंटर करते हैं, चेंज हो गया, दोनों चेंज हो गए, पर अब इसमें क्या है कि मुझे पहला वाला ई चेंज करना है या दूसरा वाला ई चेंज करना है, तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, एक इसमें ऑप्शनल है इंस्टेंस नंबर, इंस्टेंस नंबर मतलब उसकी बारंबारता, पहला वाला दूसरा वाला, तो मैंने कहा दूसरा वाला चेंज करना, ठीक है जी, तो खाली दूसरा वाला चेंज हो, ठीक है, तो रिप्लेस अपना इस तरह से काम करता है, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। देन आपका टेक्स्ट का फंक्शन है, ठीक है जी, टेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, जैसे आपकी डेट पड़ी है, जो भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग में करते हैं ना, कस्टम फॉर्मेटिंग में मैंने बताया था, जैसे मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, तो टेक्स्ट इसके टेक्स्ट में देके इसमें इसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे करना है MM, नहीं DD डैश MM डैश YY, इस तरीके से करना है, इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी, 3 बार MM दे देता है, 10 MM चाहिए, तो इस तरह से, मतलब कस्टम फॉर्मेट मैं यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर दे सकता हूँ, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट हमने देखी थी ना निशान वाली, ये वाले कस्टम नंबर फॉर्मेट जो सीखे थे, ये काम कर सकते हैं इससे, हाँ राइट क्लिक कर। हाँ, डिफरेंस ये है कि मैंने बताया था कस्टम फॉर्मेटिंग में जो खाली विजिबिलिटी चेंज होती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू वही रहेगी, एक को आप 10 दिखा दो पर रहेगा एक ही रहे, इसमें क्या है वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, जो आपने जो फॉर्मूला रिटर्न करता है वो एक्चुअल वैल्यू ही कर देता है, ठीक है, बदल कर उसको वैसा बना देता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं ले लेता हूँ, खाली मंथ ले लेता हूँ, तो असल में अगर मैं उसमें करता तो वो डेट रहता, पर इसको जब मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कहीं भी तो ये टेक्स्ट ही रहेगा, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती,
उस वाले में आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है। अगर मैं इसको करता हूँ कस्टम में जाके, अगर इसको मैं यही फॉर्मेट लगा देता हूँ और इसमें कैलकुलेशन करने की जब करता हूँ तो हो जाएगा प्लस, तो इसमें ये हो गई है मेरे पास, ठीक है, मतलब वैल्यू आ गई मेरे पास कैलकुलेट करके। तो ये डिफरेंस है इसमें। बाकी अपने पास इसमें एक फंक्शन होता है टी का, एक ये टेक्स्ट, अब मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ तो नंबर, हमारे पास एक फंक्शन है टी, खाली टी, ये क्या करता है टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करता है। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट दिखाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखाएगा प्लेन, ठीक है जी। और एन का फंक्शन होता है सिंपल, अगर नंबर होगा तो नंबर दिखाएगा, अदरवाइज क्या दिखाएगा टेक्स्ट वगैरह में, जीरो। तो इफ के फॉर्मूला से जीरो को रिप्लेस कराकर ब्लैंक में दिखवा सकते हैं, तो ये एज पर यूज बिल्कुल, ठीक है जी। और यदि नंबर और टेक्स्ट एक साथ हो तो मैक्रो, तब मैक्रो चलेगा आपका, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, नहीं, और इसमें जैसे 23DF 23 एक साथ ही हो, उसमें उस केस में क्या होगा? उस केस में वो अल्फाबेटिक में काउंट करेगा ना, न्यूमेरिक में करेगा ही। तो इसके बाद एक फॉर्मूला बचा है जो आपका वैल्यू का फॉर्मूला। कई बार जैसे टेक्स्ट का जो फंक्शन है ना, ये टेक्स्ट की तरह रिटर्न कर देता है चीज, मान लीजिए उसने नंबर भी रिटर्न कर दिया टेक्स्ट की तरह, तो हमारे पास वैल्यू का फॉर्मूला है जिससे हम वैल्यू टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को, जैसे इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी टेक्स्ट देता हूँ, ये नंबर में ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, तो ये वैल्यू का फॉर्मूला है, तो टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, कभी कभार ही इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। तो हमने आज कंप्लीट कर लिया टेक्स्ट फॉर्मूला।